देश के कोने कोने से लोग रामनगरी अयोध्या पहुंच रहे हैं और अपने गुरुजनों का आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। आज रामनगरी अयोध्या के हर मंदिर, मठ और गलियों में आस्थावान गुरु के लिए हुए मंत्रों का मनन करते हुए दर्शन पूजन कर रहे भाजपा नेता बबलू खान ने रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास सुगंधित गुलाब से बने पुष्पहार को पहना करके रामनवमी ओढ़ा कर उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। तो वहीं पर बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने भी पुष्पहार पहना कर रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का आशीर्वाद ग्रहण। भगवान श्री राम के गुरु वशिष्ठ जी के परंपरा के संवाहक महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने भी गुरु और शिष्य की परंपरा को जीवंत करते हुए कहा कि पूरा देश भगवान श्री राम के आदर्शों को अपने जीवन में धारण करते हैं, जिसकी तस्वीर आज अयोध्या की गलियों में साफ झलकती है। जगत गुरु राम दिनेश आचार्य ने कहा कि गुरु की महिमा अनंत है। गुरु के बारे में कुछ भी कह पाना किसी के भी बस की बात नहीं। गुरु ब्रह्मांड है, गुरु समंदर है, गुरु धरती है, गुरु आकाश है। देखिए, आज का दिन बहुत बड़ा है। ये अयोध्या नगरी है, सनातन धर्म जो है अपने अपने गुरुओं की पूजा कर रहा है, अपने अपने गुरुओं से शिक्षा ले रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। ये जो अयोध्या नगरी है, भगवान राम के पुजारी हैं। आज गुरु का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। जो सारे लोग जो है अपने अपने गुरु का आशीर्वाद लेने आए हैं, हम भी आए हैं। यहाँ भंडारा भी हो रहा है और लोग भोजन भी कर रहे हैं, आशीर्वाद भी ले रहे हैं, ज्ञान भी ले रहे हैं। तो ये हिंदुस्तान की धरती, ये हिंदू मुसलमानों का है, ये सबकी है। यहाँ भाईचारा है और कहीं कोई भेदभाव नहीं है। आज देखिए, आज गुरु जो है गुरु का एक महत्व है, हम भी गुरु का आशीर्वाद लेने पहुँचे। ठीक है, गुरु पूर्णिमा है, गुरु का दोनों का संबंध है और लोग कल्याण करने के लिए आते हैं, भगवान दर्शन करते हैं और गुरु की कृपा लेते हैं, जिससे उनका कल्याण होता है। बहुत जगह से आए हैं अब आप। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी अयोध्या में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आस्था का सैलाब उमड़ा है। देश के कई हिस्सों से आए श्रद्धालु मंदिर में दर्शन पूजन कर रहे हैं और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर अयोध्या से, जहां मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। आस्था का जन सैलाब किस प्रकार से यहाँ पर उमड़ा है, ये तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। गुरु पूर्णिमा के इस खास मौके पर लोगों का हुजूम जो है यहाँ देखने को मिल रहा है। तो इसी बीच प्रशासनिक व्यवस्था भी चाक चौबंद यहाँ पर देखने को मिल रही है। श्रद्धालुओं की संख्या अधिक है,